वेलकम स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि डेटा प्री प्रोसेसिंग क्या होता है। पिछले वीडियो में हमने जाना था डेटा वेयर हाउसिंग के बारे में। आज का जो ये वीडियो है इसमें हम लोग देखेंगे कि डेटा प्री प्रोसेसिंग क्या है। तो देखिए, डेटा प्री प्रोसेसिंग एक डेटा माइनिंग की टेक्निक होती है जो कि डेटा को, एक मान लीजिए कि कोई हमारा रॉ डेटा है, तो रॉ डेटा को अगर यूजफुल इन्फॉर्मेशन में हमें कन्वर्ट करना है तो वो फिर हम कैसे कर सकते हैं। तो हम डेटा माइनिंग टेक्निक का यूज़ करके कोई भी, अगर मान लीजिए रॉ डेटा या किसी भी कंपनी से आया हुआ है या कि किसी भी थ्रू हमारे पास आया हुआ है, तो उस डेटा को हम यूजफुल इन्फॉर्मेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उस डेटा को हम यूजफुल कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए हम देखिए, रॉ डेटा को हम यूजफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम डेटा प्री प्रोसेसिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं, और उस टेक्निक के थ्रू हम डेटा को एक यूजफुल इन्फॉर्मेशन में बना सकते हैं। देखिए, कैसे भी हमारा कुछ डेटा स्ट्रक्चर्ड भी होता है, कुछ डेटा हमारा होता है रॉ डेटा। स्ट्रक्चर्ड डेटा जैसे कि कोई भी कंपनी, टाटा बिरला कहीं भी से भी आ गया, वो डेटा हमारा एक स्ट्रक्चर्ड रूप में वो डेटा रहेगा, तो वो डेटा हमारा स्ट्रक्चर्ड डेटा रहता है। और कुछ डेटा रॉ डेटा होता है, जैसे कि कुछ ऐसा डेटा जो कि हमारे यूज में नहीं है, वो बिल्कुल यूजलेस है, उस डेटा को हम बोल देते हैं कि रॉ डेटा। तो रॉ डेटा को यूजफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम डेटा प्री प्रोसेसिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं। और इसमें देखिए, तीन स्टेजेज हम यूज़ करते हैं। तो तीन स्टेज में हमारा पहला है डेटा रिडक्शन, एक स्टेज होती है, और हमारा जो दूसरा स्टेज है वो है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, और तीसरा है डेटा क्लीनिंग। तो इसमें तीन स्टेज हम यूज़ करते हैं, डेटा क्लीनिंग, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन और डेटा रिडक्शन। तो डेटा क्लीनिंग में क्या होता है कि जैसे कि कभी भी हमारा बहुत सारा डेटा आ गया और डेटा हमारा कुछ में से कुछ डेटा मिसिंग हो गया, तो मिसिंग डेटा को ढूंढने के लिए, कि मिसिंग डेटा को फाइंड आउट करने के लिए हमें एक स्टेज यूज़ करनी होती है जो कि कहलाती है डेटा क्लीनिंग। और डेटा क्लीनिंग के थ्रू हम अपने किसी भी मिसिंग डेटा को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसके बाद जो हमारा दूसरा, जो दूसरी स्टेज इसकी है, तो दूसरी स्टेज है हमारी डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। तो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या करते हैं कि मान लीजिए कि कोई भी हमारा कंपनी के थ्रू डेटा आ गया, या कि हमारे पास किसी भी मीडियम से डेटा आ गया, और वो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में कोई भी वो डेटा जो है वो रॉ डेटा है, और रॉ डेटा को हमें अगर यूजफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है, तो उस डेटा को हम यूजफुल बनाने के लिए हम फिर डेटा ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का यूज़ करते हैं। और डेटा ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज में क्या होता है कि हमारे डेटा, रॉ डेटा को ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है यूजफुल इन्फॉर्मेशन में, जिससे कि हम उस डेटा को यूज कर सके। और इसके बाद जो हमारे इसमें आखिरी स्टेज है, तो आखिरी स्टेज है डेटा रिडक्शन। अब देखिए, डेटा रिडक्शन क्या होता है। डेटा रिडक्शन में मान लीजिए कि हमारे पास बहुत सारा डेटा आ गया, दो तीन कंपनियों, चार कंपनियों की और भी हमारा डेटा आ गया, क्लाइंट के थ्रू कहीं से भी डेटा हमारा अगर इकट्ठा हो गया, तो उस डेटा में कभी कभी उस डेटा को एनालिसिस करना कठिन हो जाता है, क्योंकि डेटा इतना ज़्यादा हो जाता है उसको हम एनालिसिस नहीं कर पाते हैं। तो डेटा को जब ऐसी सिचुएशन होती है कि जब डेटा को हम एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं, तो उस स्थिति में इस डेटा को, इस ये जो प्रॉब्लम हमारे पास आती है, तो इसको हैंडल करने के लिए फिर हम डेटा रिडक्शन टेक्निक का यूज़ करते हैं। तो हमने इसमें क्या देखा, देखिए तीन स्टेज देखी, डेटा क्लीनिंग, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन और डेटा रिडक्शन। डेटा क्लीनिंग में मिसिंग डेटा को हम फाइंड करते हैं, और डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में हम रॉ डेटा को यूजफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं, और डेटा रिडक्शन में क्या करते हैं कि जब कोई भी डेटा हमारा मिसिंग होता है, नहीं मिसिंग सॉरी, अगर मान लीजिए डेटा रिडक्शन में बहुत सारे डेटा आ गए हमारे पास और उस डेटा को एनालिसिस करना कठिन होता है, तब फिर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम डेटा रिडक्शन टेक्निक का यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा डेटा प्री प्रोसेसिंग जो कि रॉ डेटा को यूजफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, वो होता है डेटा प्री प्रोसेसिंग। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।